हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रही हैं। ऑफिशियल आंसर के से आप लोग को आंसर पहले ही शो हो जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पीपीटी फॉर्म में आपको आज अपलोड करेंगे चैनल पे। हम वो आपका ऑफिशियल आंसर की थी, जिसके कारण आपका आंसर उसमें डायरेक्ट शो हो जा रहा था। किसी स्टूडेंट की कमेंट थी कि मैम इसमें आंसर शो नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी सेकेंड थिंग है कि आपका जो भी एग्जाम का पेपर है मेरे पास, सभी पेपर को हम अपलोड कर देंगे चैनल पे, और आपका टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली आपको इवनिंग में मिल पाए। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे सभी नर्सिंग सब्जेक्ट से। आज जो सब्जेक्ट ली गई है आपका, इसमें साइकेटिक से लिए गए हैं, जो 20 क्वेश्चन लिया गया है, 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन के साथ रैशनल के साथ लिए गए हैं, जो कि आपका 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो के जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन को एक बार आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एम्स नॉर्सेट में, तो आपको एक बार देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है इसमें, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, मॉडर्न साइकेट्री के पिता के बारे में पूछा गया कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपके पास है बेंजामिन रस, बी में आपके पास है फिलिप फाइनल, सी में है एमिल केरापेनन एंड डी में है विलियम टू। चार ऑप्शन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, आपका रेशनल के साथ भी दिया गया है, रेशनल भी लिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, मॉडर्न साइकेट्री के जो पिता है, यहाँ पे रेशनल में भी दे दी गई है। देखिएगा ये देखिए फिलिप फाइनल, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, सेकेंड होगा, राइट आंसर आपका सेकेंड होगा। आप भी अपना आंसर देखते जाइएगा कि आपका राइट कितना हो रहा है 20 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितना मार्क्स आए हैं। इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा फिलिप फाइनल इज कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, एंड जो बेंजामिन रस जो दिया हुआ ऑप्शन सी में, कंसीडर एज द फादर ऑफ किसका, अमेरिकन साइकेट्री का, किसका, अमेरिकन साइकेट्री। ये क्वेश्चन आपका इस बार हो सकता है आपके एग्जाम में नॉर्सेट में पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। तो राइट आंसर इसमें बेंजामिन रस होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिएगा अकॉर्डिंग टू कुबर रोज थ्योरी और ग्रीफ, विच अमंग द ह्यूमन फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन स्टेज सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा, इस बार आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुबर रोज थ्योरी, किसके थ्योरी के द्वारा, कुबलर रोज थ्योरी, ग्रीफ विच अमंग द ह्यूमन फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व, सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा कुबलर रॉस के दुख के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार दूसरे चरण में देखा जाता है, दूसरे चरण की बात किया, स्टेज सेकेंड की बात किया, जो कि क्वेश्चन में आप पढ़ रहे होंगे देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में आपका है डिप्रेशन, ऑप्शन फर्स्ट में डिप्रेशन, सेकेंड में एंगर है, थर्ड में है आपका देखिएगा ब्रैगिंग, एंड फोर्थ डी में है डेनाइल, डी में है डेनाइल। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें सेकेंड स्टेज के अंदर आप रैशनल में भी देख पा रहे होंगे, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू देखा जाए 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ अकॉर्डिंग टू कुबलर रॉस आर एज फॉलोज, कुबलर रॉस के अनुसार 5 अवस्थाएं हैं, 5 है, कौन कौन सा है आपका देखिएगा, फर्स्ट में आपका क्या है डेनाइल है, सेकेंड में एंगर है, थर्ड में आपके पास ब्रैगिंग है, एंड फोर्थ में डिप्रेशन है, और फाइव में आपके पास एक्सेप्टेंस है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है डियर आपके एग्जाम में कि कुबलर रॉस थ्योरी जो है आपका, विच स्टेजेस ऑफ, यहाँ मैंने स्टेजेस ऑफ किसका, कुबलर रॉस थ्योरी के अनुसार, तो 5 स्टेजेस है जिसमें एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 3 आपको ऑप्शन देगा और 1 आपका अलग से देगा, 1 आपका अलग रहेगा, तो राइट आंसर आपको उसमें करना होगा। तो यहाँ पे डेनाइल में देखा जाए इसमें क्या है, दिस कांट बी हैपनिंग टू मी, इसको क्या करता है, इग्नोर कर रहा है, इनकार कर रहा है, जैसे यार मेरे साथ नहीं हो सकता, क्या है, दिस कांट बी हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। एंगर में आपका क्या है कि व्हाई इज दिस, व्हाई इज, क्यों है यहाँ पे हैपनिंग टू मी, हु इज द ब्लेम फॉर दिस, हु इज द ब्लेम फॉर दिस, ये क्या करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
इसके लिए किसे दोष देना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है हम साथ, क्या होता है, हम लोग के साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, हमें ऐसा फीलिंग होने लगती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, हमारे साथ गॉड ऐसा क्यों कर रहे। सभी लोग के मन में ये चीज आता है, लेकिन सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही होता है, बट आपको वो चीज मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका देखिएगा ब्रैगिंग क्या है, अस्टेजिंग अ फॉल्स होप एग्जाम्पल में क्या है, मेक द लॉस लेस सिग्निफिकेंट, इसमें क्या है, झूठी आशा का चरण, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टेज ऑफ फॉल्स हॉप, ये क्या होता है झूठी बात बताएगा आपको, ये आपको आशा दिलाएगा, दिलासा दिलाएगा। देन उसके बाद नुकसान को कम महत्वपूर्ण बनाए, मेक द लॉस लेस सिग्निफिकेंट, क्या है बहुत कम ही महत्वपूर्ण बनाए इसको नुकसान को। नेक्स्ट आपका डिप्रेशन की बात किया जा रहा है, डियर डिप्रेशन का देखा जाए, आई एम टू सैड टू डू एनीथिंग, इसमें क्या मैं कुछ भी करने के लिए बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आई एम टू सैड है ना, टू सैड, टू टी डब्ल्यू टू है डियर यहाँ पे, इसका मतलब ये कि बहुत ही दुखी हूँ, आपका डू एनीथिंग कुछ भी काम मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस में क्या, आई एम एबल टू एग्जिस्ट एंड एडजस्ट व्हाट हैपेंड टू, यानी यहाँ पे मैं महजूद रहने और जो हुआ उसे समायोजित करने में सक्षम हूँ, उसे समायोजित करने में सक्षम हूँ, क्या हुआ, आई एम एबल टू एग्जिट, आई एम एबल टू एग्जिट, एडजस्ट भी करने के लिए आप रेडी हैं। ये चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा आपका कि कुबलर रोज थ्योरी ऑफ ग्रीफ सेकेंड स्टेज की बात क्या है, जिसमें आपका स्टेज सेकेंड में कौन सा आ रहा है डियर, एंगर आ रहा है, एंगर आ रहा है, जिसमें से क्या है ये आपके साथ कुछ भी हो रहा है वो किसके दोष देना है, ये चीजें आपका एंगर में आ रहा है। तो ऑप्शन इसमें राइट क्या हुआ, ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, ऑप्शन इसमें जो हुआ राइट आपको ऑप्शन सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर की बात करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन में आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है डियर आपके पास, आइडेंटिफाई वीएस रोल कंफ्यूजन इज द टास्क ऑफ व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक इरेक्शन। देखिए इससे भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, एरिक इरेक्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया नॉर्सेट में भी, और आपका अलग अलग एम्स में भी पूछा हुआ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अलग अलग एम्स में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए एरिक इरेक्शन के अनुसार पहचान बनाम भूमिका ब्रह्म विकास की किस अवस्था का कार्य है, यानी कि विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, एरिक एरिक्सन के अनुसार। और यहाँ पे आपका क्या है आइडेंटिफाई वीएस किसके साथ, रोल कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन के साथ। ऑप्शन फर्स्ट में डियर टोडलर है, सेकेंड में प्री स्कूलर है, थर्ड में आपके पास एडोलसेंस है, एंड फोर्थ में आपके पास अडल्ट है, एंड फोर में आपके पास अडल्ट है। तो आइडेंटिफाई वीएस रोल कंफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर इसकी क्या होगी, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप, इससे और एक पहले में पढ़ाई उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो दोनों से एक क्वेश्चन आएगा, यानी दो मार्क्स का क्वेश्चन आपका यही है। तो चार क्वेश्चन यहाँ पे, चार नंबर, चार ऑप्शंस है, राइट आंसर इसमें क्या होगा। अब हम यहाँ रैशनल की ओर मूव करते हैं, देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड, देखिए फर्स्ट में आपका इन्फेंसी जो 0 to 2 years तक होगा, तो ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, ठीक है ना, मिसट्रस्ट आपको एक बार विश्वास होगा फिर से अंधविश्वास होगा। देन उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 2 से 4 साल तक की क्या होगा, ऑटोनोमी, आपका सेम डॉट क्या होगा, ऑटोनोमी होगा या फिर सर्न की बात रहेगा, यहाँ पे सेम डॉट। उसके बाद प्री स्कूलर 4 से 5 साल के यहाँ पे इनिशिएटिव वीएस गिल्ट करेगा वो, देन स्कूल एज ग्रुप में देखा जाए इंडस्ट्री, फिर आपका बात इनफेरियोरिटी करेगा। एडोलसेंस में आपका क्या आइडेंटिफाई वीएस रोल कंफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपका क्वेश्चन भी आपका क्या पूछा है आइडेंटिफाई वीएस रोल कंफ्यूजन, तो आपका किसमें होगा, आपका एडोलसेंस में आएगा, किसमें आएगा 13 to 19 years में, ये एज ग्रुप यदि पूछता है डियर एज ग्रुप, तो ये भी आपको लिखना होगा 13 to 19 years। राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ इसके अनुसार, एडोलसेंस होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे अर्ली अडल्टहुड, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका क्या है यहाँ पे अर्ली अडल्टहुड में इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन। देन अडल्टहुड की बात किया जाए 40 to 64 years में, तो आपका क्या होगा जेनरेटिविटी एंड अस्टेग्नेशन। देन उसका मैच्योरिटी की बात किया जाए 65 years का, उसमें डेथ भी होगा 65 से लेकर डेथ तक, एंड ईगो इंटेग्रिटी वीएस डिस्पेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा कोई भी, यहाँ पे जितने सारे दिए हुए हैं ऑप्शंस उसमें से एक जरूर पूछेगा एरिक इरेक्शन के अनुसार डेवलपमेंट थ्योरी में। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ डियर आपका ऑप्शन एडोलसेंट हुआ, इसके अनुसार आपका आइडेंटिफाई वीएस रोल कंफ्यूजन ऑप्शन एडोलसेंस राइट सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। देखिए क्वेश्चन आपका 2018 में वो भी एम्स रायपुर में पूछा हुआ डियर। तो शारीरिक लक्षणों के माध्यम से किस रक्षा तंत्र में चिंता व्यक्त की जाती है। यहाँ पे इन विच डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें एंजाइटी टू एक्सप्रेस थ्रू किसके थ्रू, फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू शारीरिक लक्षणों के माध्यम से। तो ऑप्शन सी में प्रोजेक्शन, बी में आपके पास सिग्रेशन, सी में आपके पास कन्वर्शन, डी में आपके पास हाइपोकॉन्ड्रियासिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा। ऑप्शन फर्स्ट में कन्वर्शन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफेंस मैकेनिज्म अकर्स वेयर कॉग्निटिव टेंशन मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन फिजिकल सिम्टम्स। क्या है आपका फिजिकल सिम्टम्स, दी सिम्टम्स में वेल बी सिम्बोलिक एंड ड्रामेटिक एंड इट ऑफ्टन एक्ट्स एज कम्युनिकेशन अबाउट किसके बारे में, अबाउट दिस सिचुएशन, किसके बारे में सिचुएशन। एक्सट्रीम सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि इंक्लूड पैरालिसिस होगा, ब्लाइंडनेस होगा, डिफेंस होगा, बिकमिंग आपका म्यूट होगा एंड हैविंग या सीजर। तो आपका यदि कन्वर्शन में पूछा जाए, एक्सट्रीम सिम्टम्स पूछा जाए कन्वर्शन के अंदर में, तो याद रखिएगा यदि एक्सेप्ट में पूछता है तो पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डिफेंस, देन आपका बिकमिंग म्यूट और हैविंग या सीजर। ये सारों को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड नंबर की बात किया जाए, रेगुलेशन में क्या है आपका, रेगुलेशन इज अ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, और आपके एग्जाम क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी की। यहाँ पे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन गोज बैक टू देयर अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि प्रतिगमन एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति विकास के पहले चरण में वापस जाता है। यहाँ पे अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पहले ही चला जाएगा अर्लियर, तो किसमें जाएगा, रिग्रेशन में जाएगा डियर। नेक्स्ट आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस की बात किया जाए, तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में आपका क्या है, मीन्स पर्सन्स बिलीव दैट ही सी मे हैविंग सीरियस बट अनडायग्नोस्ड मेडिकल कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो बिलीव तो करता है, जो भी लड़का हो लड़की हो, लेकिन हैविंग सीरियस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, लेकिन क्या होता है अनडायग्नोस्ड अनियंत्रित चिकित्सा स्थिति में पीड़ित हो सकता है। प्रोजेक्शंस की बात किया जाए, ये ब्लेमिंग करता है, समवन एल्स फॉर वंस ऑन डिफिकल्टी, जैसे कि परचेपन किसी और को अपनी कठिनाई के लिए दोष दे रहा है, अपनी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है दूसरे को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर। राइट आंसर इसके अनुसार, आपके अनुसार से क्या हुआ आप भी समझ सकते हैं, इतना सारा मैं देखी इसमें, तो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसकी राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट जो हुआ आपका ऑप्शन कौन सा होगा, राइट आंसर इसका आपका देखिए किसमें है आपका, कन्वर्शन होगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, कन्वर्शन, सी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स दिया हुआ है, और यहाँ भी रेड कलर से मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिए ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो और जल्दी से आपको मिल जाए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सपीरियंसिंग एक्चुअल इमोशन एसोसिएटेड विथ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था डियर आपका क्या था, अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सपीरियंसिंग एक्चुअल इमोशंस एसोसिएटेड विथ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय यूजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिक रीजनिंग एंड एनालिसिस इज। तो यहाँ पे तर्क और विश्लेषण की वादिक प्रक्रिया का उपयोग करके तनावपूर्ण स्थिति से जुड़ी वास्तविक भावनाओं को व्यस्त करने से बचने का प्रयास करता है। इसमें कौन सा होगा आपका, सेपरेशन होगा, या फिर रिग्रेशन होगा, या फिर इंटेलेक्चुअलाइजेशन होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका, हम देखते हैं रैशनल की ओर मूव करते हैं, इंटेलेक्चुअल देखिएगा, इंटेलेक्चुअलाइजेशन
इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म वे रीजनिंग इज यूज टू ब्लॉक, यहाँ पे देखिएगा, कॉन्फ्रोटेशन विथ अनकॉन्सियस कॉन्फ्लिक्ट एंड इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल स्ट्रेस, एसोसिएटेड विथ इमोशनल स्ट्रेस वेयर थिंकिंग इज यूज टू अवॉइड फीलिंग, क्या करना, यूज टू अवॉइड फीलिंग, दिस गिवन सिचुएशन रेफर टू इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन तो इसमें किसमें रेफर किया है, ऑप्शन इसके अनुसार क्या हुआ, थर्ड इज करेक्ट आंसर, ये थर्ड इसमें राइट आएगा, मतलब यानी कि सी आएगा। जैसे कि बाधिकता एक रक्षा तंत्र है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिफेंस मैकेनिज्म वेयर रीजनिंग इज टू ब्लॉक कन्फ्रंटेशन विद एन अनकॉन्शियस, जो कि जहां एक बेहोश संघर्ष के साथ टकराव को अवरुद्ध करने के लिए तर्क का उपयोग किया जाता है और भावनात्मक तनाव से जुड़ा होता है, जहां सोचने से बचने के लिए सोच का उपयोग किया जाता है। देखिए जहां सोचने से जो सोच और थिंकिंग जो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक आपका सोच का उपयोग किया जाता है, दी गई स्थिति का एक बौद्धिकता को संदर्भित करती है, दी गई स्थिति को एक बौद्धिकता का क्या करता है, संदर्भित करती है, संदर्भित करती है। तो इसके अनुसार राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर, ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, देखिएगा मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन ए में डोपामिन, बी में एसिटी एसिटाइल कोलिन, सी में एपिनेफ्रिन, डी में सीरोटोनिन, डी में आपके पास क्या, सीरोटोनिन। तो देखिएगा यहाँ पे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर की बात क्या डियर, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी की बात क्या है, कौन सी मेडिसिन होगा जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होगा सबसे बड़ी, तो डोपामिन होगा या फिर एसिटिल कोलिन होगा या एपिनेफ्रिन होगा या सीरोटोनिन होगा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन देखिए सीरोटोनिन आएगा, फोर होगा इसमें राइट आंसर सीरोटोनिन, सीरोटोनिन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे हम सीरोटोनिन जो आपका दिया हुआ है इसमें, जो कि इसमें क्या, सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन कोर फिजिकल प्रोसेस सच एज रेगुलेशन ऑफ स्लीप एग्रेशन एंजाइटी मूड फियर, लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन इज लिंक टू द रिपीटेटिव थॉट और ऑब्सेशन एंड इनिशिएटिंग द डिसऑर्डर, सो सेरोटोनिन इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, विद द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। यहाँ पे प्राइमरी सबसे पहला जो पूछेगा न्यूरोट्रांसमीटर ओसीडी के लिए कौन सा है, तो आपका सीरोटोनिन होगा। इसमें नींद आक्रामकता चिंता मंदोस भाई के नियमित जैसी मुख्य शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का निम्न स्तर का दोहराव वाले विचारों या जुनून और विकार की शुरुआत से जुड़ा हुआ है, तो सेरोटोनिन ओसीडी के लक्षणों से जुड़ा प्राथमिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो सबसे पहला यदि पूछेगा आपके एग्जाम में तो कौन सा होगा, सीरोटोनिन होगा, जो कि मेजर न्यूरोट्रांसमीटर पूछा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया डियर, प्रेजेंटिंग द पेशेंट विथ योर हाइपोथेटिकल सिचुएशन हेल्प इन द असिस्मेंट ऑफ रोगी को काल्पनिक स्थिति के साथ, देखिएगा जो प्रस्तुत करने से निम्नलिखित का आकलन करने में मदद करती है, प्रेजेंटिंग द पेशेंट विद हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ, तो क्या होगा, एब्स्ट्रेक्टेबिलिटी या इनसाइट या फिर कॉम्प्रिहेंशन या फिर जजमेंट। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन क्या होगा, फोर होगा जजमेंट। जजमेंट इन्वॉल्व एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। जजमेंट कैन भी देखिएगा इवैल्यूएटेड बाय एक्सप्लोरिंग द पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिलेशनशिप एंड वोकेशनल चॉइस बाय द यूज ऑफ सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, यूज द सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हियर। राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका ऑप्शन जजमेंट हुआ। निर्णय में तथ्यों को समझने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता शामिल है, निष्कर्ष निकालने की क्षमता शामिल है जिसमें से स्थिति जन्य निर्णय परीक्षण के उपयोग द्वारा काल्पनिक स्थितियों संबंधों और व्यावसायिक विकल्पों में रोगी
की भागीदारी की खोज करके निर्णय का मूल्यांकन किया जा सकता है, वो क्या होगा आपका जजमेंट होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इज या फैमिली थेरेपी अप्रोच डाइट फोकसेस ऑन बोथ द बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रॉब्लम। एक पारिवारिक चिकित्सा दृष्टिकोण है जो किसी समस्या के जैविक और मनोसामाजिक दोनों घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इज ए फैमिली थेरेपी अप्रोच डैट फोकसेस ऑन बोथ द बायोलॉजिकल और साइकोसोशल कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रॉब्लम, जिसमें इसे इंटीग्रेटिव अप्रोच है, यहाँ पे देखिएगा ब्रॉयन अप्रोच है, सी में देखिएगा साइकोएनालिटिक अप्रोच है, डी में देखिएगा स्ट्रक्चर अप्रोच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, इंटीग्रेटिव अप्रोच इज अ कंबाइंड अप्रोच टू साइकोथेरेपी दैट ब्रिंग्स डिफरेंट एलिमेंट ऑफ स्पेसिफिक थेरेपीज, इज ऑल्सो रेफर्स टू द इन्फ्यूजन ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी एंड नीड्स, इंटीग्रेटिंग द एफेक्टिव बिहेवियर कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल सिस्टम विद इन वन पर्सन एज वेल एज एड्रेसिंग सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी ये चीज पहलू में भी आएगा, यदि साइकोलॉजिकल ना हो तो सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी रहा तो, क्योंकि एकीकृत दृष्टिकोण मनोचिकित्सा के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण है जो विशेष उपचारों के विभिन्न तत्वों को लाता है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और जरूरतों को सम्मिलित को भी संदर्भित करता है, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर प्रभावशाली व्यवहारिक संज्ञानात्मक और शारीरिक प्रणालियों के एकीकृत करने के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संबोधित करता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन कौन सा होगा, इंटीग्रेटिव अप्रोच, क्या हुआ आपका इंटीग्रेटिव अप्रोच, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड हैबिट्स बाय एसोसिएटिंग अनप्लीजेंट कंडीशन विद इट इज कॉल्ड, अप्रिय स्थिति को इसके साथ जोड़कर अवांछित आदतों का उन्मूलन कहलाता है, क्या कहलाएगा, बायोफीडबैक या फिर डिसेंसिटाइजेशन या फिर एवर्सिव कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, यहाँ पे एवर्सन थेरेपी आएगा, राइट आंसर इसमें सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड हैबिट, अनवांटेड हैबिट की बात क्या है, जो कि अप्रिय स्थिति को इसके साथ जोड़कर अवांछित आदतों का उन्मूलन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एवरेसिव कंडीशनिंग कहलाता है। यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी विच ऑफ द एवरेसिव कॉजिंग का देखिएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा और डिसलाइक और दिस गस्ट होगा, अस्टिमुलेट्स इंपेयर्ड विद एन अनडिजायरेबल बिहेवियर इन ऑर्डर टू रिड्यूस और एलिमिनेट अनवांटेड बिहेवियर, एलिमिनेट दैट बिहेवियर, इसमें राइट आंसर इसलिए हुआ क्या, एवरेसिव कंडीशनिंग, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेलुसिनेशन इन विच द कंटेंट इज कंसिस्टेंट विद आइदर आर डिप्रेस आर मैनिक मूड इज कॉल्ड, आर मैनिक मूड इज कॉल्ड, देखिए 17 का भी यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, 17 2017 का है, रायपुर में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, मध्य भ्रम जिसमें समार्गी या तो उदास या उन्मत्त मनोदशा के अनुरूप होती क्या कहलाती है, क्योंकि हेलुसिनेशन इन विच द कंटेंट इज कंसिस्टेंट विद आइदर आर डिप्रेस्ड और मैनिक, डिप्रेशन भी है और मैनिक मूड में भी है, दोनों है इसको, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हेलुसिनेशन, मूड कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन, मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन या हैप्टिक हेलुसिनेशन या हैप्टिक हेलुसिनेशन। तो ऑप्शन देखिए आप, फर्स्ट में मूड देखिएगा कॉन्ग्रुएंट के बारे में बताया गया है, हेलुसिनेशन रेफर टू हेलुसिनेशन हुज कंटेंट्स देखिएगा रिप्रेजेंट और रिफ्लेक्ट्स द मूड स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, मूड कॉन्ग्रुएंस इज अ साइकोटिक सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में दोनों आता है, डिप्रेशन और मेनिया, डिप्रेशन और मेनिया, तो यहाँ पे दोनों चीज है, डिप्रेस और मैनिक डिसऑर्डर, तो इसमें क्या है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, जिससे मनोदशा के अनुकूलन देखिएगा मति वर्म या तात्पर्य मति वर्म से जिसकी समार्गी व्यक्ति को मनोदशा का प्रतिनिधित्व करती है या उसे दर्शाती है, मनोदशा अनुरूपता देखिएगा द्विध्रुवी विकार का एक मानसिक लक्षण है, एक मानसिक क्या है लक्षण है। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, मूड यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंस है, मूड इनकॉन्ग्रुएंस है, ऑप्शन बी वाले हेलुसिनेशंस है। तो इसमें देखिए तो इसमें आपका क्या है, सेकेंड नंबर में आपका जो है
मूड इनकॉन्ग्रुएंस में साइकोटिक फीचर ऑफ द डिजीज वेयर इन द पर्सन इज बिलीव और एक्शंस वेदर बाय हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन डज नॉट मैच विद हिज और हर मूड। ठीक है, ये चीजें आपका दिया गया है आपका मूड डिस्करेंस के अंदर में। ठीक है, और इसकी देखिएगा यहाँ पे दिया गया है मूड, यहाँ पे मूड इनकॉन्ग्रुएंस रोग एक मानसिक विशेषताएं है जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका व्यक्ति का विश्वास या कार्य चाहे मतिवर्म या भ्रम से हो, जैसे भी हो उसका, या फिर उसके मूड से मेल नहीं पकाता, मेल नहीं खाता, जो जैसा सोच रहा है वैसा उसका बात नहीं खाता, एक दूसरे के साथ हो रहा है, फ्रेंडशिप भी है तो उसका एक दूसरे के साथ उसका मेल नहीं खाता है, तो इसमें वही लिखा हुआ डज नॉट मैच विथ हिज और हर मूड। ठीक है ना, नेक्स्ट हैपेटिक हेलुसिनेशंस में आपका क्या है, हैपेटिक में आपका इज द सेंसेशन ऑफ टच मोस्टली सीन इन अल्कोहलिक अल्कोहलिक डेलिरियम ट्रेमर्स, अल्कोहलिक डेलिरियम ट्रेमर्स, इसमें आएगा डेलिरियम ट्रेमर्स। ठीक है, जो कि हैपेटिक मतिवर्म स्पर्श की अनुभूति है जो ज्यादातर मादक प्रलाप में देखी जाती है, तो ये हैपेटिक हेलुसिनेशंस के अंदर आएगा, जो कि टच मोस्टली सीन इन किसमें, अल्कोहलिक डेलिरियम ट्रेमर्स में देखने को मिलेगा, कौन सा, हैपेटिक हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट सोमैटिक हेलुसिनेशंस में क्या होता है डियर, इसमें परसेप्शंस ऑफ या फिजिकल एक्सपीरियंस अकरिंग विद इन द बॉडी, अकरिंग विद इन द बॉडी, इसमें देखिए दैहिक मतिवर्म शरीर के भीतर होने वाले एक शारीरिक अनुभव की धारणा है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, मूड देखिएगा कॉन्ग्रुएंट हेलोसिनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी इसमें राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पूछा डियर, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल का, अल्कोहल विड्रॉल का सबसे आम लक्षण कौन सा होगा, ऑप्शन सी में बॉडी एक, बी में ट्रेमर, सी में रियोनेरिया, डी में डायरिया, डी में डायरिया, चार ऑप्शन दिया गया, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर जो होगा अल्कोहल विड्रॉल का, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड आएगा, बी आएगा ट्रेमर, बी आएगा ट्रेमर, ट्रेमर इज करेक्ट आंसर, इसमें बी आएगा राइट। इसमें देखा जाए विद इन 4 to 12 आवर ऑफ सेशन, देखिएगा इसमें और रिडक्शन इन हैवी और प्रोलॉन्ग अल्कोहल यूज, क्या है, रिडक्शन इन हैवी और प्रोलॉन्ग अल्कोहल यूज, द फॉलोइंग सिम्टम्स में अपीयर, देखिएगा क्वारेस, ट्रेमर ऑफ हैंड्स, टंग और आईलिड्स, नोजिया और वोमिटिंग, वीकनेस, टैकिकार्डिया, स्वेटिंग, एलिवेटेड बीपी रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेस मूड और इरेटेबिलिटी एंड इंसोमिया, जैसे कि वो छोड़ दिया अल्कोहल विड्रॉल है तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है सिम्टम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर आपका हुआ ट्रेमर, जो कि अल्कोहल विड्रॉल का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आपका क्या हुआ, ट्रेमर, तो इसमें देखिएगा दिस दीज आर द बॉडी एक रियोनेरिया एंड डायरिया जो दिया हुआ है ए सी और डी, ये किसके लिए, ऑपोइड विड्रॉल के लिए, किसके लिए आपका, ऑपोइड विड्रॉल के लिए, मोस्ट कॉमन यदि ऑपोइड विड्रॉल का बात किया जाए ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो राइट करना है आपको, बात बाकी ये सारे जो है आपका किसका है, आपको अल्कोहल विड्रॉल की सिम्टम्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें देखिए भारी या लंबे समय तक शराब के उपयोग को रोकने या कम करने के 4 या 12 घंटे के भीतर निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं, देखिए सोचिए कि बहुत लंबे समय से पी रहा था, शराब को ले रहा था, अल्कोहल ले रहा था, लेकिन वो अचानक क्या क्या रोक दिया जिसकी वजह से उसको ये सारे लक्षण दिखाई देने लगे, और अपोइड विड्रॉल में ये सारे लक्षण दिखाई देने लगे कि जब वो छोड़ देगा अचानक, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहलिज्म, लॉन्ग टर्म देखिएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसका, अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहलिज्म की चिकित्सीय जटिलताएं का दीर्घकालिक प्रभाव है, दीर्घकालिक प्रभाव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो देखिएगा कोर्सा कॉफ, साइकोसिस, डिप्रेशन, डिलीरियम ट्रेमर्स या फिर पैरानोइया, या फिर पैरानोइया, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, देखिए इन अल्कोहल मिसयूज या क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर कैन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से, डेट इज कॉल्ड एज क्या होता है, कोर्साकॉफ साइकोसिस, ये क्वेश्चन
अल्कोहिज्म या अल्कोहल से रिलेटेड जब भी आता है विटामिन से पूछता है आपको, तो आपका थायमिन होगा, क्या होगा? थायमिन होगा, या फिर आपका क्या होगा? विटामिन बी वन या फिर विटामिन बी वन होगा, राइट आंसर। ये चीज को जरूर याद रखिएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से अल्कोहल वाले से जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? कॉर्सकॉफ साइकोसिस, राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, कार्बनिक मानसिक विकार के निदान के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बेंडन कैस्टन टेस्ट देखिएगा, या फिर सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट टेस्ट, या फिर आपका रोडसेंस टेस्ट, या फिर आपका थायमेटिक एप्रिएशन टेस्ट, एप्रिसिएशन टेस्ट। चार ऑप्शन दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, वेंडर केस्टन टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, यूज बाय किसके किसके पास? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। डाइट यहाँ पे दिया हुआ, एक्सेस विजुअल मोटर फंक्शनिंग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड न्यूरोलॉजिकल एम्प्रेमेंट इन चिल्ड्रेन एज 3 एंड ओल्डर एंड अडल्ट, ये चीजें। देन सेकंड सेंटेंस कंप्लीमेंट टेस्ट में डायग्नोसिस और पर्सनैलिटी, देन उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद रोसेंस टेस्ट एंड थायमेटिक एप्रिएशन टेस्ट जो दोनों दिया हुआ सी और डी, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट टू असेस पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड इमोशन प्रॉब्लम एंड मेंटल डिसऑर्डर तो ये चीजें आपका यहाँ पे दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें देख लीजिए। इसमें से राइट आंसर आपका क्या हुआ कि बेस्ट टेस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बेंडर गेस्टल्ट टेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड बताया गया है, टेस्ट यूज फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अंडर एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स। एड्स के भी फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये भी आपका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर अंडर एक्यूट न्यूरोसाइकेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स, निम्नलिखित में से किस एड्स की तिरुतंत्रिका मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के अंतर्गत माना जाता है? तो ऑर्गेनिक हेलोसिनेशंस, या ऑर्गेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या फिर डिलीरियम, या फिर एड्स इसमें भी दे दिया है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डियर आपका, ऑप्शन किसको माना जाएगा? डिलीरियम को। ऑप्शन क्या होगा, कौन सा होगा? सी इज करेक्ट आंसर, सी इसमें करेक्ट होगा। कंसिडर अंडर द एक्यूट न्यूरोसाइकेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स, पर लाभ को एड्स की तीव्र न्यूरोसाइकेटिक जटिलताओं के तहत माना जाता है। एड्स रिलेटेड पूछेगा तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? डिलीरियम। नेक्स्ट, बायोकेमिकल इथियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज रिलेटेड टू, बायोकेमिकल इथियोलॉजी यहाँ पे ऑफ अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड टू, अल्जाइमर रोग का जैव रासायनिक देखिएगा एटियोलॉजी संबंधित है। तो क्या होगा इसमें? अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है, जो कि बायोकेमिकल का इथियोलॉजी यानी कि कॉजेज पूछा है। एफिनेफ्रिन होता है, एसिटाइल कोलिन होगा, सीरोटोनिन होगा, या डोपामिन होगा। चार ऑप्शन दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो देखिएगा इसमें, द डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, देखिए यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलेटेड टू सेल इन द कॉर्टेक्स एंड हाइपोकैम्पस, रिजल्टिंग क्या होगा? डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। डिस्टर्बेंस किसको कह रहा है? डिस्टर्ब कॉग्निटिव प्रोसेस को। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड होगा, बी इज करेक्ट आंसर, एसिटाइल कोलिन बी इज करेक्ट आंसर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर का जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखा जाए, ये आपका 16 नंबर है, 20 क्वेश्चन है डियर, ये 16 हुआ आपका। सेपरेशन ऑफ ए थॉट और मेमोरी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन इज नोन एज, किसी विचार या स्मृति को उसे जुड़ी भावना या भावना से अलग करने के रूप में माना जाता है, चार ऑप्शन दिया गया, आप लोग भी पढ़िए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास भी टाइम मिला है आंसर करने का, कमेंट करने का। तो देखिएगा, आइडियलाइजेशन, प्रोजेक्शंस, इंटेलेक्चुअलाइजेशंस, या फिर आइसोलेशन।
चार ऑप्शन दिया गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको लाइव क्लास सही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ इवनिंग में ही क्लास डेली अपलोड करते हैं, तो उसमें हम लाइव क्लास भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप लोग कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे देखिएगा, चार ऑप्शन है जिसमें से सेपरेशन ऑफ ए थॉट और मेमोरी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन, एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन इज नॉन एज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, देखिएगा राइट आंसर इसके अनुसार आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन इज अ डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल थॉट, आइसोलेशन प्रिवेंट द सेल्फ फ्रॉम अलाउिंग दिस, देखिएगा कॉग्निशंस ऑफ हार्मफुल थॉट और मेमोरी टू बिकम रिकरेंट एंड पॉसिबली डैमेजिंग टू द सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि अलगाव हानिकारक विचारों से बचा है। यहाँ पे अगेंस्ट हार्मफुल थॉट, देन अलगाव स्वयं को हानिकारक विचारों और स्मृति के इन संज्ञानों को बार बार होने और असमानता आत्म अवधारणा के लिए हानिकारक होने से क्या करता है, रोकता है, होने से रोकता है, क्या करता है, रोकता है। इसमें देखिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा था आपका सेपरेशन ऑफ थॉट, सेपरेशन ऑफ थॉट किसी विचार या स्मृति को उससे जुड़ी भावना या भावना से अलग करने के रूप में क्या माना जाता है, जिसको आइसोलेट किया जाता है। जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, यदि कोरोना हो रहा था तो उसको क्या कर दिया जा रहा था, आइसोलेशन रूम में रखा जाता था, आइसोलेट कर दिया जा रहा था, उसको मास्क लगा के ऑलवेज रखना, उसको एक रूम अलग दे दिया जाता था। तो ऐसे आइसोलेशन से होता है जो अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर विजुअल हेलोसिनेशंस आर सीन इन द लेशन ऑफ, गठित दृश्य मतिवर्ण के घावों में देखा जाता है, देखा जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है इसमें, देखिए ऑसिपिटल, दूसरा में है टेम्पोरल, सी में पेराइटल, डी में आपके पास फ्रंटल, डी में आपके पास फ्रंटल। क्योंकि यहाँ पे फॉर विजुअल हेलोसिनेशंस आर सीन इन द लेशन, विजुअल की बात किया है यहाँ पे, तो फॉर विजुअल हेलोसिनेशन आर यूजुअली फ्रॉम लेशन ऑफ टेम्पोरल रीजन, क्या है, किसका रीजन है, टेम्पोरल रीजन का। The content are vivid objects जैसे कि फॉर फ्लावर्स, एनिमल्स एंड पर्सन एंड फॉर्म, हेलुसिनेशन आर कॉमन विद डिसऑर्डर ऑफ द ऑसिपिटल लोब। यहाँ पे देखिएगा डियर कौन कौन सा है, द कंटेंट्स आर विविड ऑब्जेक्ट, कौन सा हुआ विविड ऑब्जेक्ट, फ्लावर्स, एनिमल्स, पर्सन एंड फॉर्म, हेलुसिनेशन आर कॉमन विद, किसके साथ, आपका ये डिसऑर्डर ऑफ ऑसिपिटल लोब, ये आपका ऑसिपिटल लोब किसमें है, ऑसिपिटल ए ऑप्शन में। देन पेशेंट में भी डिस्क्राइब व्हाइट और कलर्ड फ्लैशेस ऑफ लाइट, इसमें क्या होगा, कैलिडोस्कोपिक कलर्स, मूविंग डिस्कस, फ्लिकिंग और आपका हेक्साकोलन एरी, जिसमें क्या होगा, हनीकॉम पैटर्न, हनीकॉम पैटर्न। तो ये चीज दिया गया है इसमें, राइट आंसर आपका क्या होगा, इसके अनुसार राइट आंसर क्या होगा इसमें, क्योंकि फॉर्म विजुअल टेम्पोरल रीजन आएगा इसमें, राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, टेम्पोरल, टेम्पोरल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज डेफिशियंट इन डिप्रेशन, डेफिशियंट इन डिप्रेशन। यहाँ पे देखा जाए इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन, निम्नलिखित में से किस न्यूरोट्रांसमीटर में अवसाद की कमी है, किस न्यूरोट्रांसमीटर में अवसाद की कमी है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, सीरोटोनिन, ऑप्शन बी में 5-HT, सी में बोथ ए एंड बी, डी में गाबा। तो यहाँ सेरोटोनिन और 5-HT के देखिए फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामिन, हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामिन एंड एक्सिसेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर फॉन टू कॉजेस डिप्रेशन, फॉन टू कॉजेस डिप्रेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें देखा जाए क्या है इसमें, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, देन राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसमें राइट क्या होगा, क्योंकि रैशनल से आप लोगों को मालूम चल जाते हैं। सीरोटोनिन या 5-HT उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है, इन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से अवसाद का कारण पाया गया है, किसको किसको, आपका 5-HT यानी कि सीरोटोनिन और 5-HT जो कि हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामिन, हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामिन, ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, यानी कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों होगा, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट या पार्ट ऑफ, देखिएगा ब्लेयुलर फोर एस, नोट या पार्ट ऑफ, कौन सा ब्लेयर फोर एस के अंदर में नहीं आएगा ऑप्शन चार ऑप्शन में, तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें से ऑप्शन ए में है एम्बिवेलेंस, बी में एवोल्यूशन, सी में एसोसिएटिव लूजनिंग, डी में ऑटिस्टिक थिंकिंग, डी में ऑटिस्टिक थिंकिंग। चार ऑप्शन है, फोर एस का हिस्सा नहीं होगा, ब्लेयर फोर एस का हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे यूजेन ब्लेयर गेव द फेमस फोर एस डेट द प्रिज्यूम्ड लीड एट द कोर ऑफ द सिजोफ्रेनिया, कोर ऑफ द सिजोफ्रेनिया एंड वेयर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर। देखिएगा यूजेन ब्लेयर के प्रसिद्ध चार ए दिया है, जिन्होंने सिजोफ्रेनिया के मूल में
झूठ बोला था और विकार के मूलभूत पहलू थे। क्या था यहाँ पे? सिजोफ्रेनिया एंड वेयर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन आएगा, एवोल्यूशन बी आएगा इसमें, जो कि नहीं आएगा। किसमें देखिएगा, फोर एस के अंदर में कौन कौन से इफेक्ट है? ऑटिज्म है, एम्बिवेलेंस है और सोसिएटिव लुजेनिंग है, सोसिएटिव लुजेनिंग है। तो यहाँ पे देखा जाए कौन कौन से मिला आपको, एम्बिवेलेंस मिला, फिर उसके पास क्या एसोसिएटिव लुजेनिंग मिला आपको, ठीक है ना, एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव लुजेनिंग। देन उसके बाद थर्ड में ऑटिस्टिक थिंकिंग, यहाँ पे ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है दिया हुआ, तो ये सारे फोर एस के अंदर में है, लेकिन एवोल्यूशन इसके अंदर में नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी होगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट डियर, 20 क्वेश्चन था आपको, इसमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए इसमें 20 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था, लेकिन रैशनल के साथ ली गई थी, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो गए हैं। अ पर्सन हैज रन अवे फ्रॉम होम अडॉप्टिंग अ न्यू आइडेंटिफाई विद कंप्लीट एमनेसिया अबाउट हिज अर्लियर लाइफ, दिस डिसऑर्डर इज नोन एज। एक व्यक्ति अपने पूर्व जीवन के बारे में पूरी तरह से भूलने के साथ एक नई पहचान अपना कर घर से भाग गया है, इस विकार के रूप में जाना जाता है। क्या होगा? क्योंकि अ पर्सन हैज रन अवे फ्रॉम होम अडॉप्टिंग अ न्यू आइडेंटिफाई विद कंप्लीट एमनेसिया अबाउट हिज अर्लियर लाइफ, दिस डिसऑर्डर इज नोन एज। तो आपका डिसोसिएटिव मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनेसिया या फिर कन्वर्सन डिसऑर्डर, चार ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन ये होगा, डिसोसिएटिव फ्यूग दिया हुआ है। डिसोसिएटिव फ्यूग और साइकोजेनिक फ्यूग दोनों में से कोई भी एक रहेगा। इज या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए, रिवर्सिबल एमनेसिया फॉर पर्सनल आइडेंटिफाई द स्टेट कैन लास्ट फॉर डेज मंथ्स और लॉन्गर एंड समटाइम्स अनकंपेयर्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू आइडेंटिटी। न्यू आइडेंटिटी की बात क्या है इसमें? न्यू आइडेंटिटी अपने एक नया पहचान तरीके से बनाना चाह रहा है, घर से क्या किया है, अपना कर घर से भाग गया है ना। तो ये इसमें राइट आंसर जो होगा आपका क्या हुआ? डिसोसिएटिव फैल, डिसोसिएटिव फूग। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये थी हमारा 20 क्वेश्चन, जो वेरी वेरी क्वेश्चन आपका लिया गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा डियर। एंड फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जिन्होंने एम्स का सपना देखा है, अपने एम बनाकर चल रहे हैं एम्स नॉर्थ की, और कोई भी एम्स के भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में कॉन्टेक्ट होंगे, आप मेरे वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें, इतना तो सपोर्ट आप कर सकते हैं। एंड कमेंट करना ना भूलें, छोटी सी कमेंट आप जरूर करें।